हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं डीटीएच के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डीटीएच का डिश एंटीना होता है उस पर जंग लग जाता है, और मैंने देखा है कि कई बार लोग इस पर पेंट करना चाहते हैं तो उनके मन में यह रहता है कि अगर हम इस पर पेंट करते हैं तो हमारे जो सिग्नल हैं तो दोबारा से हमें मिलेंगे कि नहीं। तो आज दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में एक छोटा जानकारी देने वाला हूं कि अगर दोस्तों आप अपने डिश एंटीना को पेंट कर देते हैं तो आपके सिग्नल क्वालिटी में अंतर आता है या कि फिर नहीं। अभी दोस्तों यह जो डिश है डीडी फ्री डिश पर सेट है। सबसे पहले मैं आपको इसका सिग्नल क्वालिटी दिखा देता हूँ कि अभी इसका सिग्नल क्वालिटी कितना है, और पेंट करने के बाद जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास यह पेंट है। मैं इसे करके आपको इसका जो सिग्नल क्वालिटी है टीवी पर दिखाऊंगा। अभी दोस्तों हम इसका सिग्नल क्वालिटी टीवी पर देख लेते हैं कि अभी पेंट करने से पहले इसका सिग्नल क्वालिटी कितना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी डिश को पेंट नहीं किया है और इसका जो सिग्नल क्वालिटी है 78% है। अब दोस्तों मैं आपको डिश एंटीना पर पेंट करके दिखाता हूँ कि इसके सिग्नल क्वालिटी में कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। अब दोस्तों मैं इस पर पेंट करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस डिश पर पेंट कर दिया है, और अब दोस्तों मैं आपको टीवी पर जो सिग्नल क्वालिटी है अब दिखाता हूँ कि सिग्नल में हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। अब दोस्तों मैं चलता हूँ टीवी के पास में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं टीवी के पास में आ चुका हूँ और जो सिग्नल क्वालिटी है आप देख सकते हैं 78% ही है। हमारा सिग्नल क्वालिटी ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके डिश एंटीना पर जंग वगैरह लगता है तो आप अपने डिश पर पेंट कर सकते हैं। आप दोस्तों अपने डिश को जंग लगने से बचाने के लिए इस प्रकार से पेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा जानकारी था डीटीएच के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।